हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप जो है एक फॉर्म फिल करने वाले व्यक्ति हैं या आप अपना खुद फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस समय आप देख ही रहे हैं कि जो भी फॉर्म फिल किया जा रहा है उसमें जो भी फ़ोटो लगाया जा रहा है वो वाइट बैकग्राउंड का, और साथ में आपको बताया गया है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ उस पर जो है आपका नाम लिखा होना चाहिए और उस पर आपका जो है डेट होनी चाहिए जिस दिन की वो बनाई गई है। तो आपको किस तरीके से बनाना है उसका वो भी तरीका बताएंगे। केवल आप जो है 1 सेकेंड से 20 सेकेंड के अंदर आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इस पेज का वैसे डायरेक्टली लिंक दे देंगे तो जिससे कि आप आसानी से आ सकें। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि इमेज रिसाइज, मैरिटल बायोडाटा, यहाँ पे JPG टू PDF, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर मिल जाता है, देख सकते हैं, फ़ोटो पर नाम और डेट लिखना। तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप फ़ोटो पे डेट और नाम लिखना चाहते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका नाम है आपको नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम है। फिर उसके बाद जो भी आपकी डेट है रखना चाहते हैं फ़ोटो पर वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपना जो है टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं, चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जो भी डेट रखना चाहते हैं रख सकते हैं, हम यहाँ पर रख यहाँ पे जैसा कि टाइप कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो फ़ोटो अपलोड इसमें किया जाएगा, ओनली यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा। चलिए हम JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपना पिक कर लेते हैं, और यहाँ पर जो भी कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर्स को बराबर इक्वल में फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप जो है फ़ोटो पे डेट और साइन बना सकते हैं। जनरेट टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप जो भी फॉर्म पे फिल करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ फ़ोटो शो होगा, और जो भी आपका नाम होगा नाम शो होगा, और यहाँ पर जो भी आपने डेट डाली थी वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखिएगा, जब डेट फिल करिएगा वहाँ पे पहले मंथ फिल करिएगा, फिर उसके बाद आप डेट फिल करेंगे, फिर उसके बाद ईयर फिल करिएगा। हमारा थोड़ा सा उल्टा हो चुका है क्योंकि हमने जो डाला था 1/5 करके डाला था, तो इसलिए हम बता दें जब भी आप डेट फिल करिएगा वहाँ पर आप पहले मंथ फिल करिएगा, फिर उसके बाद आप डेट फिल करिएगा, फिर उसके बाद ईयर फिल करिएगा। तो आसानी से आप जो है इसे डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं जो भी फॉर्म में फिल करना चाहते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका भी सलूशन बता दिया जाएगा।